नमस्कार, तागबेर तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं रवि तिवारी हूँ। मेरे साथ है अमृत सर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और बहुत अच्छे माहौल में सीटेट का एग्जाम हुआ और यूपी टेट, जैसे कि आपने कल और परसों के अखबारों में देखा होगा कि सितंबर में परीक्षा आपकी प्रस्तावित है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी परीक्षा है। पिछली बार जब हम लोगों ने यूपी टेट का बेस्ट संस्थान द्वारा शुरू किया गया था तो आप जानते हैं बहुत कम समय था और लगभग 30 दिनों में हम लोगों ने उस बैच को पूरा किया था। 10 से 11 वीडियो हम लोग रोज आपको देते थे, फिर भी आपने इतनी मेहनत की। बहुत सारे लोगों ने 110 और 115 अंक अर्जित किए। लगातार उन लोगों के फोन हम लोगों के पास आए और हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने सही दिशा में कार्य किया है। इस बार फिर वो समय आया है। अंतर केवल इतना है कि अब आपके पास 60 दिन का समय है। इसका मतलब अब आपके पास वो पर्याप्त समय है जिसमें आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। संस्थान भी तैयार है। 2 से 3 से 4 दिन से लगातार आप लोगों के फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर बैच की स्थिति को स्पष्ट कर दें, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, संस्थान द्वारा बैच चलाया जाएगा और अच्छी गुणवत्ता से और अच्छे अनुभव से चलाया जाएगा। पुराना जो बैच था, चूंकि समय कम था और एक दिन में 8 से 9 वीडियो चलाए, इस बार विधिवत व्यवस्थित क्लासेस चलाई जाएंगी। अच्छे पीडीएफ नोट्स होंगे, अच्छी रिसर्च होगी। पिछली बार के एग्जाम्स में आपने टेट और सुपर टेट में दोनों देखा, 80 से 85% पेपर हम लोगों के नोट से था। कुछ विषय तो ऐसे थे जैसे संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, करंट हुआ कि पूरे प्रश्न ही आपको मिल गए। चाइल्ड साइकोलॉजी से भी पूरे प्रश्न आपको मिल गए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार टीईटी की भूमिका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप लोगों ने देखा है कि ना केवल सरकारी परीक्षाओं में बल्कि प्राइवेट परीक्षाओं में भी ये महत्वपूर्ण है। इसके गुणांक को फाइनल मेरिट में जोड़ने की बात की जा रही है। तो देर ना करें, इतनी उपयोगी पात्रता परीक्षा जो कि आपके सामने दरवाजा खटखटा रही है, आपके पास समय है, अच्छा मौसम है, उचित टाइम है और आपके साथ मेरे साथ है उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम, वही टीम जिसके साथ पिछले वर्ष आप लोगों ने 110 से 115 अंक अर्जित किए थे। शेष पूरी चर्चा, परिचर्चा, बैच की कार्य योजना, दो तरह के बैच हैं आपका, एक प्राइमरी है और एक जूनियर है, कैसे रहेगा अमृतसर, इस पर आपसे पूरी चर्चा करने वाले हैं। टारगेट बताल्लुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह तैयार है आपको यूपी टेट में सफलता दिलाने के लिए। उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम पूरी तरह तैयार है। तो आइए अगले 2 से 3 से 4 दिन हमारी क्लासेस के साथ आप शुरुआत करिए और क्या उसकी रूपरेखा होगी पूरी बात अमृतसर अब आपके साथ करेंगे। अमृतसर, जब कभी भी शिक्षक भर्ती का नाम आता है तो एक प्रश्न चिन्ह सबके सामने आ जाता है कि शिक्षक भर्तियां तो होती रहती लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है। जी हां, सबसे पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती आई 68,500 और उसके बाद एक शिक्षक भर्ती आई 69,000 की, लेकिन दोनों शिक्षक भर्तियां अभी भी दायरे में है, जांच के दायरे में है, अभी पूरी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। लेकिन इन सारे अपवादों से दूर रहते हुए आपको तैयारी करनी है। 69,000 शिक्षक भर्ती सितंबर में पूर्णतया समाप्त हो जाएगी और सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब बात रही कि 2019 में कौन कौन से शिक्षक भर्ती आने वाली है, पहले मैं उसकी सूचना दूंगा और उसकी पात्रता की तैयारी करने के लिए जो यूपीटेट 2019 आयोजित होने जा रहा है उसके लिए हमको किस किस चीज की तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से स्तर हैं, उस पर पूरी बातचीत के लिए हम लोग बने रहेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत कम समय में आपको पूरी जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। तो मित्रों, आप जानते हैं कि जो 2019 का समय है यह आपके लिए नौकरी देने वाला समय है। पिछली बार हम लोगों ने बैच चलाया था यूपी टेट का और हम लोगों को यह आशा भी नहीं थी कि इतने ज्यादा लोग हम पर विश्वास करेंगे। कई हजार छात्रों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, प्रवेश लिया और हमने टेट में 95% अपना दिया है और 95% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिसमें लगभग 500 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने 115 से प्लस प्रश्न सही किए हैं। 150 प्रश्नों में 115 से प्लस सही करने वाले छात्रों की कुल संख्या लगभग 500 है और सुपर टेट में 120 प्रश्नों से अधिक सही करने वाले छात्रों की संख्या हमारे यहां कम से कम 1500 है। तो 1500 छात्र लगभग ऐसे हैं जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। यह सब कैसे हो पाया, हमारी पूरी टीम का योगदान इतना जबरदस्त रहा। आप देख सकते हैं कि रवि सर ने जो पढ़ाया वो पूरा का पूरा आ गया। हमारे हिंदी और संस्कृत में यूपी टेट में 60 में 60 प्रश्न फंसा है, 30 प्रश्न हिंदी में और 30 प्रश्न संस्कृत में। अगर पुराने वीडियोज आपके पास हो, हमारे पुराने नोट्स हो और पुराना प्रश्न पत्र आप लेके बैठ जाइए तो आप एक एक प्रश्न से मिलान कर सकते हैं कि
थी, पूरे के पूरे 30 के 30 प्रश्न हमारे पूरे नोट्स से लेक्चर से फंस गए थे, आ गए थे। कई छात्रों ने कहा सर अगर आपने ही पेपर बनाया था तो आप मुझे पहले क्यों नहीं दे दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अध्यापक लग्न से और पूरी तैयारी के साथ प्रतिबद्धता के साथ पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ ही आता है। हमारी टीम जो है 2011 से अनवरत यूपी टेट पढ़ा रही है और आप यह कह सकते हैं कि यूपी टेट की भारत में ऐसी कोई टीम नहीं है, क्योंकि यूपी टेट केवल उत्तर भारत के लिए है और उत्तर भारत में यूपी टेट की ऐसी कोई भी टीम नहीं है। आपको सभी विषय के अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो वेल एजुकेटेड हैं, ये मेरे कहने की बात नहीं। आप जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जब भी आप मेरे क्लासेस देखेंगे, बाकी अध्यापकों के क्लासेस देखेंगे, उसमें देखेंगे कमेंट बॉक्स में आपको ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से विषय हैं और किन किन विषयों की तैयारी आपको करना है। तो देखिए दो स्तर का आपके यहां टेट होता है, एक को हम कहते हैं प्राथमिक और एक को कहते हैं जूनियर या माध्यमिक। हम यूपी टेट की तैयारी क्यों करें, सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने होता है। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों की तैयारी के लिए आपको दो योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, बीएड या बीटीसी। यहां पर भी बीएड या बीटीसी, दोनों में बीएड या बीटीसी आप हैं तो आप प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर के टेट की परीक्षाओं का फॉर्म भर सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। देखिए जितने लोग बीटीसी पास हैं उनको भी मैं यह कहूंगा कि आप लोग भी माध्यमिक स्तर वाला जूनियर स्तर का टेट जरूर दें, क्योंकि यहां पर आ रही है लगभग 26,000 शिक्षकों की भर्ती बीटीसी में है और बीएड में है, तब भी आपको जूनियर में पढ़ाने के लिए 26,000 जगह मिलेगी। इधर आप आ जाइए बीएड और बीटीसी, अगर प्राथमिक के स्तर की बात कर रहे हैं तो लगभग 56,000 और प्लस 21,000 अध्यापकों की विज्ञप्ति आने वाली है और इसकी संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहां देख रहे हैं 56 और 21 और यहां देख रहे हैं 26 और ये संख्या बढ़ भी सकती है, ये संख्या बढ़कर लगभग 2,00,000 तक पहुंच सकती है। जैसा कि नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत 5,00,000 अध्यापकों की विज्ञप्ति आने वाली है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक को जोड़ लें तो लगभग 2,00,000 विज्ञप्तियां आने वाली हैं। अब आपको बताऊं कि टेट जो आप पास करेंगे उसका महत्व कहां कहां है, और जो लोग टेट पास हो चुके हैं मैं उनको भी सलाह दूंगा कि कितने नंबर तक पाने वाले छात्र दोबारा टेट की परीक्षा में बैठें। देखिए आप यूपी टेट पास करते हैं तो सरकार ने सीधे कह दिया है कि अब कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक स्कूलों में नहीं पढ़ाएगा। मतलब अगर आप बीएड बीटीसी हैं और किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तब भी आपको टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। यदि आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं तब भी आपको टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। कहने का तात्पर्य किसी भी तरह की परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं और जो हाई स्कूल स्तर तक की भी है उसमें भी आपको टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए यह मौका अगर आपके हाथ से गया तो आप यह समझिए कि आपने एक बहुत ही अच्छा स्वर्ण युग गंवा दिया जिसमें आपको एक सीट मिल सकती थी। टेट में यह हो गया आप टेट क्यों पास करें और कितने नंबर तक पास करें। अगर आप पिछली बार टेट की परीक्षा दिए हैं और आपने अर्जित किया है 100 अंक, 90 से 100 अंक के बीच में आप हैं और किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको मैं यह सलाह दूंगा कि आपको फिर से टेट की परीक्षा देना चाहिए। आप कहेंगे क्यों सर यह तो पात्रता परीक्षा है, तो नई शिक्षा नीति में साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो नया शिक्षा नीति तैयार होगा उसमें यह बात कही गई है कि आगामी परीक्षाओं में यूपी टेट के अंकों का 10% फाइनल गुणांक में भी जोड़ा जाएगा। तो अगर आपने यहां पर 100 अंक अर्जित किए हैं तो 100 अंक का जो 10% होगा वो 100 अंक का 10% मतलब 10 अंक आपके मुख्य परीक्षा में गुणांक में जोड़ा जाएगा। यही बात लागू होगी अगर आप 150 में 120 अंक अर्जित किए हैं तो 120 का 10% यहां पर लगभग 12 अंक मिलेगा। इसलिए गुणांक में एक एक अंक बहुत बड़ी महती भूमिका अदा करता है। इसलिए आप सबसे मैं ये कहूंगा कि जो 10% की मार्किंग है ये टेट में अगर आपने 100 अंक तक अर्जित किया है तो कृपया आप फिर से टेट की परीक्षा दे जूनियर और प्राइमरी की, क्योंकि जूनियर की परीक्षा 2011 में बहुत सारे छात्र दिए थे और वो पास हैं लेकिन उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। अब नई विज्ञप्ति जो आने वाली उसमें जूनियर का टेट भी पास होना अनिवार्य है, इसलिए आपको फिर से इस बार जूनियर का टेट देना चाहिए जिससे आपकी वैलिडिटी का जो क्राइटेरिया है फिर से नया बन जाए। तो आपको दो चीजें करनी है, 100 के ऊपर जितने भी छात्र हैं उनको देने की जरूरत नहीं है, वो सुपर टेट पर कंसंट्रेट करें।
अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन से स्तर हैं, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कब से फॉर्म भरेंगे। सितंबर महीने से आपकी परीक्षा हो सकती है, सितंबर में वो चाहे प्रथम सप्ताह हो चाहे द्वितीय सप्ताह हो, इसमें परीक्षा आयोजित होनी है। आपका जो समय हो रहा है शुरू अब, मतलब जुलाई और अगस्त, दो महीने लगभग 60 से 70 दिन का समय है आपके पास यूपीटेट की परीक्षा की तैयारी के लिए। अब ये देखिए आपकी जो ये 60 से 70 दिन का समय है, इसमें आप कौन सी तैयारी करें और किस तरह से तैयारी करें। एक चीज आप ये जान लीजिए कि जो प्राथमिक स्तर की परीक्षा है, इसमें आपको 5 महत्वपूर्ण विषय हैं जो अनिवार्य हैं। पहला है हिंदी, जो सबके लिए अनिवार्य है। दूसरा है संस्कृत या अंग्रेजी या उर्दू, ठीक है। ये आपके प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर दोनों में आपको इस तरह से ऑप्शनल दूसरी भाषा चुननी है। मैं सबको सलाह देता हूं, अगर आपको अंग्रेजी और संस्कृत दोनों बराबर आती है तो ऐसे अवस्था में आपको संस्कृत का चयन करना चाहिए, संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब यहां पर देख रहे हैं हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। तीसरी है शिक्षण मनोविज्ञान, जो आपका शिक्षण मनोविज्ञान है वह भी यहां पर आएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। इसके बाद दूसरा चीज आपका क्या रहेगा, इसमें मैथ रहेगा, गणित, गणित भी आपका अनिवार्य रहेगा, और पर्यावरण, यह भी आपका अनिवार्य रहेगा। इसके पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जो दूसरा वीडियो आप सबको मिलेगा मेरा, उसमें पूरे पाठ्यक्रम की चर्चा मैंने किया है, विभिन्न विषयों के अध्यापक आपको पाठ्यक्रम से अवगत कराएंगे। पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे में प्रश्न पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट, 150 मिनट मतलब हर एक प्रश्न के लिए 1 मिनट, और 1 मिनट में आप कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कैसे आप समय का संयोजन करेंगे, यह पूरी चर्चा आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी, हमारी कक्षाओं में मिल जाएगी। दूसरी वाली स्थिति जो जूनियर वाली स्थिति है, इसमें आपको किस चीज के लिए ध्यान देना है, इसमें तीनों चीजें अनिवार्य रहेंगी, आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू, अथवा तीसरा जो होगा चाइल्ड साइकोलॉजी। यहां पर जो चौथा और पांचवा विषय होगा, आप या तो विज्ञान के छात्र हैं, ग्रेजुएट स्तर पर आपने विज्ञान का चयन किया था, तो आप गणित और विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 60 प्रश्नों की संख्या होगी। और यदि आपने मानविकी विषयों में सामाजिक विज्ञान का रूप लिया था, सामाजिक विज्ञान पढ़ा था, तो आपको 60 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पढ़ने होंगे। अब इसमें सभी विषयों में 30-30 बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्नों की संख्या होगी। तो यह तो हो गया इसकी पूरी रूपरेखा। अगर उत्तर प्रदेश में कोई 5 वर्ष से रह रहा है तो यूपीटेट की परीक्षा वो दे सकता है, किसी बाहरी राज्य का है तब भी उम्र की सीमा 40 वर्ष तक रखी गई है, जिसमें कमी या अधिकता बढ़ाई की जा सकती है, 40 से 35 किया जा सकता है, 40 से 45 किया जा सकता है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी शिक्षा मित्रों को भी टेट की परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि टेट की परीक्षा देने से उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि सरकार ऐसा परिवर्तन कर सकती है कि जो टेट की परीक्षा दिए हुए शिक्षा मित्र है उनका सीधा समायोजन भविष्य में किया जा सकता है, इसलिए टेट की परीक्षा भी आपको पास करके रखनी है। तो टेट की परीक्षा सबको देनी है और महत्वपूर्ण और अच्छे ढंग से देनी है। हमारे यहां आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरी कक्षाएं आपको मिलेंगी, और साथ ही साथ इस तरह से सारगर्भित आपको लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से ही प्रश्नोत्तर आते हैं। अब आप कहेंगे सर जब आप इतने 30 मार्क आए तो आपके पास ऐसे प्रश्नों की संख्या, तो आप पहले ही मुझे दे दीजिए। तो पहले नहीं देंगे हम लोग, पहले विस्तृत पढ़ाते हैं, उसके बाद वन लाइनर नोट्स देते हैं, उसी में से सब कुछ आ जाता है, और लास्ट में आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, और आखिरी में आपको कॉन्फिडेंट करते हैं, प्रतिदिन आपकी शक्ति को जागृत करते हैं कि जाओ लड़ो और जीत कर दिखाओ। हम आपको इस काबिल बना देते हैं, इस काबिल बना देते हैं कि आप अपने से कहेंगे सर हम कर लेंगे, यह कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ जाता है। हमारे संस्थान से पढ़े हुए छात्रों का कॉन्फिडेंट बहुत आगे होता है और वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, इसलिए 120 क्वेश्चन सही करके आते हैं। तो कृपया हमसे जुड़िए, हमारी कक्षाओं का लुत्फ लीजिए और अपने भविष्य को संवारिए। ये आपके पास आखिरी मौका है। क्यों आखिरी मौका है, क्यों भाई क्यों देर करेंगे, जितना देर करेंगे उतना देर होगी। आप ये सोचिए कि ये आपके लिए आखिरी मौका है और इसी बार आपको नौकरी ले लेनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा विस्तृत बातचीत अब हम लोग कक्षा में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे सीधे मुलाकात होगी कक्षाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद।